नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे थोड़ी बात करने के लिए आया हूँ अपने चैनल के बारे में। हमारा चैनल जो है वो 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था और इस लॉन्चिंग में जो है हमारा ये जो बच्चा है ये आदि, इसका भी काफ़ी रोल रहा है। इसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि पापा ऐसा चैनल शुरू करो ताकि लोगों को जानकारी मिले इस थेरेपी के बारे में, डेवलपमेंटल थेरेपी, जो बच्चों को न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होता है जो कि अपनी उम्र अनुसार जो है कार्य नहीं कर पाते हैं। और मेरा जो भाई आनंद, वो आप जानते हो, मेरे भाई को अगर जानते हो तो मैंने भी अपनी वीडियो बनाई, उस पर भी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना। हाँ, नहीं पर इनका ये भी स्कूल में पढ़ने जाता है, एक लॉफिंग किड में, वहाँ से इसने 2 बच्चे बनाए जो उसके स्कूल में न्यूरोलॉजिकल वाले थे, जो चल नहीं पा रहे थे। और तो इसने भी बच्चे, मतलब एक रेगुलर स्कूल के अंदर में ऐसे बच्चे होते हैं और रेगुलर सेटअप एक समाज के अंदर में ऐसे बच्चे, जिनकी जानकारी हमें चाहिए कि यदि वो बच्चे अपना उम्र के हिसाब से विकास नहीं कर पा रहे हैं, अगर बच्चा 3 साल का बैठ नहीं पा रहा है, 5 साल का चल नहीं पा रहा है, तो कुछ ना कुछ इशू है उसके साथ। और पेरेंट्स काफ़ी भटकते हैं डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, तो सही डॉक्टरों का या एक सही रोल उनका ये है कि वो उसको थेरेपी के लिए एडवाइस करें, रिहेबिलिटेशन के लिए एडवाइस करें, क्योंकि मेडिसिन का रोल अपनी जगह है लेकिन थेरेपी का भी एक रोल है उसमें, ताकि उनके जो माइलस्टोन्स हैं, जैसे उनका हेड कंट्रोल है, उनका रोलिंग करना, सिटिंग, क्रॉल, स्टैंडिंग वगैरह वगैरह। तो ये जो चैनल है उसमें हम अभी आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स और वीडियोज़ दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं आप कुछ कमेंट भी करें कि आप क्या नया चाहते हैं और हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो और भी मतलब फ्यूचर में हमारे पास अभी जो तमाम जो हमने ट्रेनिंग इंग्लैंड में की है मैंने, उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि मतलब भारत में जो ट्रेनिंग की है और इंग्लैंड में उसके बाद की, और उसको मिक्स एक कॉम्बिनेशन की, भारतीय बच्चों को कैसे अपन ज़्यादा विकसित कर सकते हैं जो न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज़म, डिलेड माइलस्टोन्स, स्पाइना बायफिडा, इवन मल्टीपल डिसेबिलिटी, अर्ली इंटरवेंशन में करना बहुत ज़रूरी है। यानी 0 to 6 ईयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी चाइल्ड। उस दौरान यदि हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और आइडेंटिफाई करने में बड़ा रोल डॉक्टर्स का रहता है, क्योंकि सबसे पहले पेरेंट्स बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि साहब हमारा बच्चा बैठ नहीं रहा है, हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है या समझ नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में जैसे डॉक्टर का एक रोल ये है कि वो मेडिसिन दें ज़रूरत के हिसाब से जो भी है, बट उसको एक रिहेबिलिटेशन के लिए भी एडवाइस करें। तो हम रिहेबिलिटेशन करते हैं, हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सलाह देंगे कैसे क्या करना है। इवन इफ़ यू आर इन अवर टाउन ग्वालियर के हैं, तो उसके लिए भी हम आपको सलाह देंगे कहाँ पे आप जा सकते हैं हमारे पास, या हमसे बेटर कोई सेंटर अगर बाहर के हैं वहाँ पर एडवाइस देंगे या बाहर के हैं। तो वी विल कंटिन्यू अवर सर्विसेज, अवर चैनल, बट वी नीड योर सपोर्ट। सो दिवाली की शुभकामनाएं बहुत बहुत आप सब लोगों को एडवांस में, क्योंकि दिवाली आ ही रही है। और हमारा जो आदिक है, ये बच्चा ये भी अपना चैनल चला रहा है अपने भाई के साथ, अनंत के साथ, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लाइक कीजिए, और क्या बोलते हैं बेल आइकॉन है वो, उसको प्रेस कीजिए, है ना। तो थैंक यू वेरी मच हमारे सभी दर्शकों, हमारे सभी साथियों, सब्सक्राइबर्स। हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतरीन वीडियोज़ भेजें, शॉर्ट्स भेजें। हम ट्रेनिंग के भी वीडियोस डालेंगे आपको अभी आने वाले टाइम में, और वो ट्रेनिंग 2 घंटे की रहेगी, वो भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें कि आपको कैसे लिफ्ट करना है, लाइक तो करना ही है उनको, सब्सक्राइब भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे अवेयरनेस ज़्यादा सोसाइटी के अंदर फैले। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट अस, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।